कश्मीर के पंपोर में आतंकियों से पिछले दो दिनों से चल रही मुठभेड़ में सेना के दो कैप्टन सहित पांच जवान शहीद हो गए थे। आतंकी हमले में शहीद हुए कैप्टन पवन कुमार की पार्थिव देह को हवाई मार्ग से आज पठानकोट के मामून कैंट में लाया गया। यहां मेजर जनरल राजेश चोपड़ा तथा दूसरे सीनियर सैन्य अधिकारियों ने पूरे सैनिक सम्मान के साथ कैप्टन पवन कुमार को श्रद्धांजलि दी। कैप्टन पवन कुमार जींद के रहने वाले थे और 15 जनवरी यानी आर्मी डे के दिन जन्मे कैप्टन पवन कुमार जाट समुदाय से ताल्लुक रखते थे। कैप्टन पवन आतंकियों पर भारी पड़ रहे थे, इसी दौरान वहां जिस इमारत में आतंकी छुपे हुए थे वहां दाखिल होना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही आतंकियों ने उनकी टीम को अपना निशाना बना लिया, जिस दौरान कैप्टन सहित दो जवान भी शहीद हो गए। पठानकोट में श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद कैप्टन पवन कुमार की पार्थिव देह को जींद के लिए रवाना कर दिया गया। खबर हरपल इंडिया देश की सुरक्षा के लिए शहीद होने वाले वीर सैनिकों को सलाम करता है। न्यूज डेस्क से गौरव मैनी, गुरदासपुर से सुखदेव सिंह, खबर हरपल इंडिया।